गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल्स। तो आज हम आपको बताने वाले हैं बायोमॉलिक्यूल्स का ये टॉपिक है डाइसेक्राइड्स में जो आता है। डाइसेक्राइड के अंतर्गत ये आता है सुक्रोज, ठीक है। डाइसेक्राइड्स में क्या आता है? सुक्रोज आता है। आज हम लोग डाइसेक्राइड का स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। मीन्स डाइसेक्राइड भी किसके अंदर आता है आपको पता है, आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। डाइसेक्राइड किसके अंतर्गत आता है? ओलिगोसेक्राइड के अंदर आता है डाइसेक्राइड्स। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये डाइसेक्राइड जो हमारे पास सुक्रोज है इसके बारे में ओवरऑल हम लोग को जानकारी मिलने वाला है, ठीक है। आप जानिए, चैनल के साथ बने रहिए और सीखने की कोशिश कीजिए कि आपका पूरा सुक्रोज जो है अब आपके साथ होगा आसान वे में। कभी आपको कोई स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें आपका, या फिर कोई आपका छुपा हुआ कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए और भरपूर आनंद उठाइए इस सुक्रोज का, ठीक है। सुक्रोज का जो मिठास आपको देने वाला है बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। सुक्रोज का मिठास जो है बहुत मज़ा आने वाला है। आप सुक्रोज, सबसे पहले हम बात करेंगे सुक्रोज क्या है। एक डाइसेक्राइड, सुक्रोज क्या है? एक डाइसेक्राइड्स। डाइसेक्राइड्स का मतलब कि डाइसेक्राइड्स इसको बोला जाता है जो कि मान लें कि कोई भी डाइसेक्राइड्स है। अभी देखिए ध्यान देंगे कि डाइसेक्राइड्स उसको सुक्रोज क्या है, सुक्रोज क्या है, सुक्रोज क्या है, जल्दी बोलिए। डाइसेक्राइड है, सुक्रोज क्या है? डाइसेक्राइड्स है। डाइसेक्राइड्स का जब हाइड्रोलाइसिस होता है, जब हाइड्रोलाइसिस होता है इन एसिडिक कंडीशन, ऑलरेडी आपको प्रीवियस वीडियो में पढ़ा चुके हैं कि डाइसेक्राइड का जब हाइड्रोलाइसिस होगा इन एसिडिक मीडियम तो दो गो सिंपलर मोनोसेक्राइड में टूटेगा, दो गो सिंपलर मोनोसेक्राइड यूनिट मिलने वाला है। इसके मतलब दो ठो मोनोसेक्राइड मिलेगा, एक मोनोसेक्राइड्स प्लस मोनोसेक्राइड्स, प्लस मोनोसेक्राइड्स मतलब कि दो ठो मोनोसेक्राइड्स मिलेगा। मोनोसेक्राइड पहले बता चुके हैं, मोनोसेक्राइड का मतलब क्या होता है कि जिसका कि हाइड्रोलाइसिस न हो उसको बोलते हैं मोनोसेक्राइड्स। सेक्राइड्स का मतलब सुगर होता है, तो यहाँ पर मोनोसेक्राइड्स दो ठो मिलेगा। आप कहता है ये जो मोनोसेक्राइड मिल रहा है हो सकता है ये दोनों मोनोसेक्राइड क्या हो, सेम भी हो सकता है ये मोनोसेक्राइड, ये जो यूनिट मिलेगा सेम भी हो सकता है, ये दोनों हो सकता है क्या हो, डिफरेंट भी हो सकते हैं, ये डिफरेंट भी हो सकते हैं। इसके मतलब डाइसेक्राइड्स का क्या हुआ, एक अच्छा डिफिनेशन आपको सुनने को मिल रहा है, जानने को मिल रहा है कि डाइसेक्राइड क्या है, कि एक कार्बोहाइड्रेट है। सबसे पहला डाइसेक्राइड क्या है? कार्बोहाइड्रेट है जिसका हाइड्रोलाइसिस करा रहे हैं एसिडिक मीडियम में, दो को मोनोसेक्राइड यूनिट दे रहा है, हो सकता है वो सेम है या फिर वो डिफरेंट है, कोई दिक्कत। ये हुआ डाइसेक्राइड्स क्या एग्जैक्ट डिफिनेशन, समझ गए। ये मोनोसेक्राइड जैसे कि आप बोलिए एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लीजिए आप। सबसे पहले मैं एग्जाम्पल देना चाहूँगा जो कि आपको पढ़ना है, जो हम लेके चले हैं सुक्रोज। बताइए सुक्रोज का क्या होता है फॉर्मूला, आप जानते हैं C12H22O11। ये सुक्रोज का फॉर्मूला जिसको आप केन सुगर भी बुलाते हो, केन सुगर, सुगर केन, सुक्रोज, ठीक है। तो इस तरह से, इस प्रकार से इसको हम लोग बुला सकते हैं। अब देखिए इसकी हाइड्रोलाइसिस करा रहे हैं, इसकी हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस का मतलब वाटर के साथ रिएक्शन। इन एसिडिक कंडीशन यहाँ पे आप H प्लस डाल दो, ठीक है, H प्लस, कहीं कहीं पूरा एसिड भी लिख देगा, H2SO4 भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जहाँ एच प्लस तो एसिड से ही आएगा, तो यहाँ पर ये देखिए क्या बनाएगा, C6H12O6। यहाँ क्या बनाएगा, C6H12O6। ये दोनों का फार्मूला जरूर सेम है, फार्मूला जरूर सेम है, और दोनों मोनोसेक्राइड है, ये बात भी सही है, फार्मूला भी सेम है, दोनों मोनोसेक्राइड है, दोनों मोनोसेक्राइड है। लेकिन कैसा सिमिलर है? नहीं, एक ग्लूकोज है दूसरा फ्रुक्टोज है, एक ग्लूकोज है, एक आपको क्या दिखाया, ग्लूकोज है, और दूसरा क्या है, फ्रुक्टोज है, ठीक है। एक फ्रुक्टोज है, दूसरा ग्लूकोज है। अब देखिए नाम, इसके नाम जो है आपको ऑलरेडी सारा वीडियो मिल चुका है, इसको बोलते हैं अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक है। इसको क्या, यहाँ जो बना बीटा डी फ्रुक्टोज, ठीक है, ये बनता है। दोनों डी सिमिलर यूनिट यहाँ पे मिलता है, मतलब कि सुक्रोज का जब हाइड्रोलाइसिस होगा तो क्या आपको मिलेगा, ये बात याद रखना है, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रुक्टोज, क्लियर। मतलब एक डेक्सट्रो मिलने वाला है, एक जो प्रोडक्ट मिला आपको डेक्सट्रो, एक मिला है डेक्सट्रोज, एक डेक्सट्रो, और दूसरा क्या मिला, लिबो रोटेटरी। एक डेक्सट्रो रोटेटरी है और दूसरा लिबो रोटेटरी है, एकदम ध्यान रखिए, कहीं से क्वेश्चन स्लिप करने वाला नहीं है। एक डेक्सट्रो रोटेटरी और दूसरा लिबो रोटेटरी, मतलब कि देखिए सब कुछ अंतर हो गया, ठीक है। तो एक ग्लूकोज दूसरा फ्रुक्टोज, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, लेकिन इसका स्ट्रक्चर अलग है। ग्लूकोज में क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है, फ्रुक्टोज में क्या है, कीटोनिक ग्रुप है। सारा आइडिया दिमाग में सेट करते जाइए, बहुत मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा, बहुत मज़ेदार चैप्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ तो हम लोग देख लीजिए सुक्रोज क्या है, मतलब कहने का मतलब है, आप देखिए धीरे धीरे मैं आपको इसी के स्ट्रक्चर, मान लें कि आप इसका स्ट्रक्चर्स देखो,
ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर होता है आपको पता है ये कैसा है, ये किसका ये किसको फॉलो करता है, ये किसको फॉलो करता है, ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर है आपने देखा है, आपको हवार्ट साइकिल के स्ट्रक्चर हम कंप्लीट पढ़ाए हैं, तो वहाँ पर किसको फॉलो करता है, किस स्ट्रक्चर को, उसको पायरोनोज को फॉलो करता है, किसको फॉलो करता है, पायरोनोज, पायरोन, ठीक है, सिक्स मेंबर रिंग जो होता है, क्या होता है, सिक्स मेंबर रिंग होता है, इसे बोलते हैं पायरोनोज। हाँ, ये किसको फॉलो करता है, फ्यूरन को, फ्यूरेनोज, ठीक है, ये फ्यूरन, ये पायरोनोज, इट इज सिमिलर विथ, ठीक है, ये किसके थोड़ा सा मिलता जुलता किससे है, पायरन से, ये किससे मिलता जुलता है, फ्यूरन से, ठीक है, ये चीज़ बहुत मतलब मेन जानकारी आपको ध्यान में रखनी होगी, ठीक है। तो आप कहता है ये जो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी जो फ्रुक्टोज है आपस में कहता है कि किसी एक ऑक्साइड बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, किसी एक बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, और वो जो बॉन्ड कर रहे हैं मतलब कि दोनों यूनिट, एक यूनिट ये, एक यूनिट ये, कौन कौन, एक अल्फा डी ग्लूकोज और एक बीटा डी ग्लूकोज, ये आपस में जब ज्वाइन हुए हैं तो एक किस लिंकेज से, ऑक्साइड लिंकेज से, ठीक है, ऑक्साइड ऑक्सीजन रहता है बीच में, इस यूनिट और इस यूनिट के बीच में ऑक्सीजन लिंक रहेगा, ठीक है, उसको बोला जाता है ऑक्साइड लिंकेज, ठीक है। अब वो जो ऑक्साइड लिंकेज बनता कैसे है, बाय लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, बाय लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल के लूज करने से एक ऑक्साइड का लिंकेज तैयार होता है दोनों के बीच में। अभी दिखा दूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑक्साइड का लिंकेज तैयार होता है जब बीटा डी और अल्फा, इसे मान लें आप दोनों का पहले स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है, तो बीटा डी ग्लूकोज और इसके बीच में एक ऑक्साइड लिंकेज रहता है, ऑक्साइड लिंकेज का फॉर्मेशन कैसे होगा, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन से, ठीक है, इसी ऑक्साइड लिंकेज को बोलते हैं, इसी ऑक्साइड लिंकेज जो आपस में ज्वाइन रहता है दो यूनिट उसको कंबाइन रखता है, उसी को बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, क्लियर, ये आप देखे होंगे कहीं पे लिखा रहा, व्हाट इज ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ठीक है, वही दो मोनोसेक्राइड यूनिट्स आपस में ज्वाइन टुगेदर बाय द ऑक्साइड लिंकेज, एक ऑक्सीजन से जुड़ा रहता है, दैट इज नोन एज ऑक्साइड ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, क्लियर। यहाँ तक देखिए, यहाँ तक पहले मिटा देता, इसको हटा देते हैं, आप ध्यान से सुनते हैं ये बात को, अभी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, अभी एकदम बहुत इत्मीनान से बैठ जाइए, अभी बहुत कुछ जानने को। तो कहता है कि जो लिंकेज होगा, जो लिंकेज बिटवीन टू मोनोसेक्राइड्स यूनिट थ्रू ऑक्सीजन एटम, कहता है द लिंकेज बिटवीन टू मोनोसेक्राइड्स यूनिट थ्रू ऑक्सीजनेट, इसी को क्या बोलिएगा, नॉन एज ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, इसको बोलते हैं मतलब कार्बोहाइड्रेट में ऑब्वियसली क्या होता है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, अगर कोई पूछेगा सुक्रोज, जैसे कि मान लीजिए आसान तरीका से फिर से मैं बताना चाहूँगा इसको कि जैसे कि आप ऐसा स्ट्रक्चर बना लें, ये हो गया किसका, ये हो गया आपका, ध्यान दीजिए फिर से बताना चाह रहे, ये हो गया आपका, ये जो स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हैं, ये H हो गया, ये H हो गया, H हो गया, OH हो गया, एक स्ट्रक्चर आप ऐसा बना लो नीचे में ऐसा, ठीक है, अब सारे के ऊपर देखिए, यहाँ पे अगर आप देते एच ओ एच तो यहाँ पे क्या आता है, एच ओ एच, एच ओ एच, यहाँ पे क्या आएगा, ओ एच और एच, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, एच और ओ एच, यहाँ पे क्या आएगा, सी एच टू ओ एच, और यहाँ पे एच, यहाँ तक क्लियर। ये क्या था, अल्फा डी ग्लूकोज का मैंने स्ट्रक्चर आपके सामने रखने की कोशिश की, अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ये होता है, आप दिमाग लगा के इसको सुन लीजिए, ये होता है अल्फा डी। अब बात आती है यहाँ पे कि बीटा डी फ्रुक्टोज हम कैसे बनाएं, तो बीटा डी फ्रुक्टोज बनाने का सिंपल सा तरीका क्या है, ये सी एच टू ओ एच, ये ओ एच को ऊपर रख रहे हैं, ये ओ एच को क्या कर रहे हैं, ऊपर की ओर शिफ्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या हो गया, ओ एच और ये एच, ओ एच और एच, दूसरी बात यहाँ पे एच और ओ एच, अब क्या बचा है कि सी एच टू और एच, आप ध्यान देंगे। अब मैं नंबरिंग करके दिखाता हूँ कि इसका कार्बन जो है ये C1, C2, C3, C4,
C5 और C6। यहाँ पे दिखाइए, यहाँ देखिए, यहाँ पे C का जो यहाँ होंगे C1 C2 C3 C4 C5 और C6 ये हो गया C1 और ये C2। इसके मतलब है कि अटैचमेंट किसके किसके साथ हो रहा है, कौन कौन मेंबर के साथ, मतलब C1 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एंड C2 ऑफ बीटा डी फ्रुक्टोज। C1 ऑफ जो यहाँ से लिंक रही हो, OH और H को यहाँ से हटा रहे हैं, OH और H को यहाँ से अगर एलिमिनेट कर दूँ मैं तो क्या एलिमिनेट होगा, वाटर का एलिमिनेशन होगा। अगर ये वाटर एलिमिनेट कर दिया तो बच क्या गया, बच गया ऑक्सीजन, बड़ा ऑक्सीजन बच गया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा ऐसे खींचिए, थोड़ा ऐसे खींचिए इसको। अब इस लिंकेज का नाम आप क्या दोगे, इस लिंकेज का नाम है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। इसका नाम क्या होगा, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। यहाँ तक बात है, बात समझ में आ रही है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज क्या है, मीन्स इसका क्वेश्चन क्या आएगा, इसका कौन सा कार्बन, इसका C1 किसका, अल्फा डी ग्लूकोज का C1, अल्फा डी ग्लूकोज का C1 और C2 क्या होगा, बीटा डी फ्रुक्टोज का C2। ये आपस में ये ज्वाइन होंगे और ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज का फॉर्मेशन करेगा। यहाँ तक क्लियर, अब लिख सकते हो ये हो गया अल्फा, ये देखिए पहला वाला क्या हो गया, अल्फा डी ग्लूकोज, ये हो गया बीटा डी फ्रुक्टोज। ये दोनों को मिला दो, विच इज इक्वल टू सुक्रोज। बोलिए कितना मजा आया, आई थिंक बहुत मजा आ रहा हो, ठीक है। तो मान उठाइए, उठाइए एकदम पूरा वाले उठाइए, ठीक है, कुछ लग भी नहीं रहा आपको, सिर्फ आप सुन रहे हैं, आप हमारे चैनल के साथ बने हुए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और देखते के साथ सब कुछ समझते के साथ बीच बीच में सब्सक्राइब भी करना मत भूलिए, आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, किसी को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब थोड़ा सा कर दीजिएगा तो बड़ा मज़ा आएगा, और थोड़ा सा एनर्जी में आएंगे, खड़ा रह जाएंगे, दो चार बात और अच्छा अच्छा बता के जाएंगे, यही है, सब्सक्राइब आप जरूर कीजिए। तो इतनी सी बात तो था, कोई बड़ा बात तो मैंने नहीं बताया, ठीक है, कोई मैंने मिसाइल नहीं बनाया कलाम साहब जैसा, लेकिन हाँ बड़ी छोटी बात थी, मतलब इससे छोटा बात कुछ भी नहीं हो सकता कुछ, तो ये चीज़ है। तो लोग मिसाइल बना देते हैं तो हम लोग ये सब छोटी मोटी बातें, क्या सुक्रोज, क्या फ्रुक्टोज, क्या लैक्टोज, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको बात बताना चाहूँगा कि यही था यहाँ तक जो मैंने आपको अभी बताया, यहाँ जो अभी तक मैंने आपको बताया ये था किसका कहानी, सुक्रोज के हाइड्रोलाइसिस से क्या क्या प्रोडक्ट मिलता है और उसके बीच में किस टाइप का बॉन्ड है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है, इस टाइप का चीज़ हम लोग को पढ़ने को मिला। हम लोग इसके वजह से हम जानने वाले हैं क्या होता है, अब बताएंगे आपको रिड्यूसिंग शुगर, उसके बाद इन्वर्ट शुगर बताएंगे, रिड्यूसिंग शुगर और इन्वर्ट शुगर क्या बताएंगे, रिड्यूसिंग शुगर और इन्वर्ट शुगर। देखिए यहाँ पर जो हम लोग लिख रहे थे इसके बाद के लिए हम बताने वाले हैं कि रिड्यूसिंग शुगर, सुक्रोज के बाद क्या था, ये जब जस्ट ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज का फॉर्मेशन मैं आपको बता चुका हूँ, अब रिड्यूसिंग शुगर किसको बोलते हैं, अब बात आती है कि सब अगर सुक्रोज से पूछेगा कि रिड्यूसिंग शुगर है या नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, तो आपको बोलना है कि ये आपका हमारा रिड्यूसिंग शुगर, क्या बोलते हैं ये क्या है, रिड्यूसिंग शुगर, ये क्या है, ग्लूकोज। सुक्रोज क्या होगा, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, ये क्या है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। ताकि रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर की बात अगर हम करते हैं, यहाँ पे ये भी सवाल आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिड्यूसिंग शुगर एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। पहले तो ये कंफर्म कर देते हैं कि सुक्रोज क्या है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। कैसा है देखिए, अगर डिफरेंसेस क्रिएट करना है तो यहाँ पे सुक्रोज को नॉन रिड्यूसिंग शुगर इसलिए बोला जाता है कि इसके जो यहाँ पे आप तो देखे थे कि जो OH ग्रुप था, ठीक है, OH ग्रुप क्या है आपका, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का जो OH ग्रुप क्या था, इन्वॉल्व था किसमें, इन्वॉल्व था बॉन्ड फॉर्मेशन में, OH ग्रुप किसमें इन्वॉल्व था, बॉन्ड फॉर्मेशन में, इसलिए मतलब इसके कह सकते OH ग्रुप फ्री नहीं थे बॉन्ड फॉर्मेशन में, ग्लाइकोसिडिक जो बॉन्ड बन रहा था तो बॉन्ड फॉर्मेशन में क्या था, व्यस्त था, बिजी था।
तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग शुगर। दूसरी बात है ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर का आर भी है ये बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, ठीक है। अगर बेनेडिक्ट सॉल्यूशन या फिर टॉलरेंस टेस्ट में ये नेगेटिव टेस्ट देता है, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के साथ टॉलरेंस रिएजेंट के साथ ये नेगेटिव टेस्ट देता है, पॉजिटिव टेस्ट नहीं देता, इसलिए हम इसको नॉन रिड्यूसिंग शुगर बुलाते हैं। अब देखिए रिड्यूसिंग शुगर नॉन रिड्यूसिंग शुगर के बीच में डिफरेंसेस पता चलिए, जो हमारा रिएक्ट करके टॉलरेंस रिएजेंट के साथ रिएक्ट कर जाए पॉजिटिव टेस्ट दे तो रिड्यूसिंग शुगर, अगर नहीं दे पा रहा है नेगेटिव टेस्ट दे रहा है तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो सुक्रोज क्या है? नॉन रिड्यूसिंग शुगर ये है सुक्रोज आपका, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। यहाँ तक समझ गए? अब मैं यहाँ पे एक बात करना चाहूँगा जो कि बड़ा अच्छा है, ये भी चीज़ मैं सब समझा चुका आपको। अब जो बातें आ रही है कि जो कि हर जगह मिलेगा आपको इनवर्ट शुगर के नाम से, क्या है इनवर्ट शुगर? तो इनवर्ट शुगर हम किसको बोलते हैं? ध्यान देंगे इनवर्ट शुगर मतलब आपको लग रहा होगा कि एक उल्टा अपोजिट, मतलब शुगर का अपोजिट, इनवर्ट का मतलब उल्टा। तो शुगर सुक्रोज का कहते थे, इनवर्ट शुगर को आप ये भी बोल सकते हो सुक्रोज का अपोजिट। अब सुक्रोज का अपोजिट का मतलब ऐसा थोड़ी ना मॉलिक्यूल्स को पलट दें, वैसा नहीं होता। सुक्रोज का अपोजिट कैसे पहचानेंगे कि ये सुक्रोज का अपोजिट है और उसको हम क्या बुलाएंगे, क्या इनवर्ट शुगर। ध्यान दीजिएगा, अगर हम सुक्रोज, पहली बात सुक्रोज बता चुके हैं डेक्सट्रोलोटेटरी है, सबसे पहले ये जानिएगा कि सुक्रोज क्या है। जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं वो डेक्स्ट्रो रो टेरी है। डेक्सट्रोलोटेटरी से आप ऑलरेडी वाकिफ है, पहले के प्रीवियस वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि जो PPL को प्लेन पोलराइज्ड को आपका राइट की तरफ मोड़ दे क्लॉकवाइज मोड़ दे तो वैसे सब्सटेंस को क्या बोलते हैं डेक्सट्रोरोटेटरी, ठीक है। तो अब है सुक्रोज क्या है डेक्सट्रोरोटेटरी, अपने आप में ये क्या है डेक्सट्रोरोटेटरी, ठीक है। जब इसकी हाइड्रोलाइसिस होती है, जब सुक्रोज क्या हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, जब सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस कराएंगे मतलब कि C12H22O11 का हाइड्रोलाइसिस कराएंगे इन एसिडिक मीडियम, तो आपको बता चुके हैं कि ग्लूकोज C6H12O6 और फिर C6H12O6 एक ग्लूकोज का यूनिट मिलता है और दूसरा आपको एक फ्रुक्टोज का यूनिट मिलता है जिसको आप अल्फा डी बोलते हो, डी ग्लूकोज, और यहाँ पे बीटा डी फ्रुक्टोज बोला जाता है, ठीक है। ध्यान देंगे डी के बारे में सोचने आ रहे हैं, डी क्या है ना एक नेमिंग करने का तरीका है, ग्लिसरलडिहाइड से लिया गया है, ठीक है। तो डी के बारे में सोचिए, स्मॉल डी और स्मॉल एल थोड़ा बात होता है रोटेशन, प्लस माइनस रोटेशन, ठीक है। तो अल्फा और बीटा डी ये है, तो आपको बता चुके हैं कि ये क्या है डेक्स्ट्रो है और ये क्या है लिवो है। जब ये रिजल्टेंट मिक्सचर का जब सॉल्यूशन देखा गया ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को क्या देखा गया, ध्यान दीजिए इस मिक्सचर में क्या देखा गया। जब ये हाइड्रोलाइसिस के बाद एक मिक्सचर तैयार किया तो उस मिक्सचर में क्या देखा गया कि जो लिवो रोटेशन ऑफ फ्रुक्टोज, ध्यान दीजिएगा लिख रहे हैं लिवो रोटेशन ऑफ फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज का जो लिवो रोटेशन था ग्रेटर देन डेक्स्ट्रो रोटेशन ऑफ ग्लूकोज। कह रहा है कि फ्रुक्टोज का जो लिवो रोटेशन था मतलब लेफ्ट में मोड़ने की क्षमता पीपीएल को, वो ये जो मोड़ रहा था ग्लूकोज मतलब कि उसके जस्ट अपोजिट में, तो लिवो रोटेशन जो फ्रुक्टोज का था मीन्स लिवो रोटेशन का मतलब पीपीएल को लेफ्ट की तरफ मोड़ने का क्षमता, एंटी क्लॉकवाइज मोड़ने का क्षमता, इसके डेक्स्ट्रो रोटेशन से ज़्यादा पाया गया, मतलब उसका एंगल क्या हुआ उसका ज़्यादा था और इसका कम था। मतलब कि कह सकते हैं कि जो एंगल था 92.4 डिग्री पे था, इसका 92.4 डिग्री पे था माइनस में, ठीक है। ये किसका था फ्रुक्टोज का, किसका था फ्रुक्टोज का, बल्कि यहाँ पे देखा गया कि 52.5 डिग्री का रोटेशन था। अब देखिए ये एंगल ज़्यादा था, निगेटिव तो इसलिए लगा हुआ है कि ये आपका अपोजिट डायरेक्शन में मोड़ रहा है, ठीक है। तो ये ज़्यादा एंगल और ये
कम एमडी, मतलब इसका रोटेशन ज्यादा इसका रोटेशन कम। तो बोलिए कि रिजल्टेंट मिक्सचर का नाम क्या देंगे, मतलब ये क्या हुआ, ये चेंज लाया, क्या लाया, ये चेंज लाया ब्रिंग इन द साइन ऑफ रोटेशन। ठीक है, साइन ऑफ रोटेशन में कौन चेंज लाया, फ्रुक्टोज। इसलिए कि पहले का साइन क्या था, सुक्रोज क्या था, पॉजिटिव था, डेक्सट्रोरोटेटरी, लेकिन जब मिक्सचर तैयार हुआ तो लिवर रोटेशन ज्यादा। ठीक है, मतलब रिजल्टेंट मिक्सचर क्या बोल सकते हैं आप, कैसा बन गया रिजल्टेंट मिक्सचर, क्या होगा, लिवर रोटेटरी, रिजल्टेंट मिक्सचर लिवर रोटेटरी। शुरू में सुक्रोज कैसा, डेक्सट्रोरोटेटरी, रिजल्टेंट मिक्सचर किसका हो गया, लिवर रोटेटरी, लिवर रोटेशन ज्यादा। इसके मतलब क्या हुआ कि डेक्सट्रो का उल्टा क्या होता है, लिवो, डेक्सट्रो का उल्टा लिवो। तो हम क्या सुक्रोज को क्या बुलाए अब बताइए, इनवर्ट शुगर, उलट चुका शुगर। ठीक है, मतलब पहले डेक्सट्रो था, उलटने के बाद डेक्सट्रो का उल्टा क्या हुआ, डेक्सट्रो का उल्टा लिवो। क्लियर, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। तो आई थिंक इसी को हम लोग इन्वर्ट शुगर के नाम से जानते हैं। मतलब कि अगर इन्वर्ट शुगर का हमको अगर डिफिनेशन थोड़ा सा लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो वो भी हम कर देते हैं। इससे क्या कह सकते हैं कि हाइड्रोलाइसिस ऑफ शुगर ब्रिंग्स अबाउट ए चेंज इन साइन ऑफ रोटेशन, साइन ऑफ रोटेशन मतलब क्या, फ्रॉम डेक्सट्रो टू लिवो। चलिए थोड़ा सा लिख लेते हैं, कुछ कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर लिखा है, कहता है कि द हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज, ध्यान देंगे यहाँ पे हम इतना में कर देते हैं। ठीक है, क्या द हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज, द हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज, सुक्रोज का मतलब सुगर, ब्रिंग्स अबाउट अ चेंज इन साइन ऑफ रोटेशन, साइन ऑफ रोटेशन मतलब दैट इज डेक्स्ट्रो टू लिवो। पहले डेक्स्ट्रो टू लिवो, शुरू में डेक्स्ट्रो था, जब हाइड्रोलाइसिस हुआ तो साइन क्या हुआ, चेंज हो गया, मतलब डेक्स्ट्रो से लिवो। इसको हम लोग क्या बुलाएंगे, दिस इज कॉल्ड क्या, इन्वर्ट शुगर। क्लियर, कोई तरह का परेशानी, कोई परेशानी नहीं होगा। आई थिंक आपको सारी कहानी सुक्रोज के बारे में समझ में आ गया, डायसेक्राइड पढ़ा चुके आपको, इसके बाद नेक्स्ट में आपको माल्टोज और लैक्टोज पढ़ाएंगे, माल्टोज और लैक्टोज। आपको सारी कहानी समझ में आई, आप इसको जरूर बच्चे सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, मतलब कि आप शेयर कीजिए इस वीडियो को, और आप इसको लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।